हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मूंग रसबरा। चलिए देखते हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए और कैसे बनाते हैं। पहले ये देखिए, मैं मूंग दाल को धो के भिगो के रख दिया था 2 घंटे के लिए और उसको मैंने पीस लिया है। और यहाँ मैं कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है और इधर मैं चाशनी के लिए चीनी और पानी को भी बॉईल के लिए छोड़ दिया है। जितना चीनी उतना पानी लेके हम उसको बॉईल करेंगे 5 मिनट, जिससे जैसे वो शहद जैसा चिपचिपा हो जाए। उससे ज़्यादा हमें तार नहीं बनानी है। अभी मैं मूंग दाल जो पीस के रखा था उसमें 1 पिंच खाने का सोडा डाल के उसको फेंट ले रही हूँ। अच्छी तरह हम उसको 2 मिनट फेंट लेते हैं, फिर हम उसके छोटे छोटे चम्मच के सहायता से छोटे छोटे बड़ा बनाते हैं। तेल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है और हमारा बड़ा भी सही तरीके से बन रहा है और फूल रहा है। बाकी बचे हुए बड़ा भी हम इसी तरह बना लेते हैं। बड़ा हमारा बनके रेडी हो गई है। सारे बड़ा को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए रेडी हो गई है बड़ा। चाशनी को हम बंद कर दिए हैं, अभी भी चाशनी गर्म है। हम उसमें 1 चम्मच इलायची का पाउडर डाल देते हैं। अभी हम गरम चाशनी में सारे बड़ा को छोड़ दिए हैं और 1 घंटे के लिए हम उसको ढाप के छोड़ देंगे, जैसे बड़ा सब चाशनी को सोक करके सॉफ्ट बन जाए। एक घंटे के बाद ये देखिए बड़ा किस तरह चाशनी सोक करके सॉफ्ट और सुंदर बन चुकी है। अभी हम उसको तोड़ के आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना आसानी से टूट गया है, जैसे गुलाब जामुन हो। ये देखिए, मैं आपको और एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कैसे चम्मच में तोड़ जाता है। देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी है। हमारा बड़ा बनके